स्टेटमेंट सेंटेंसेस विवरणात्मक वाक्य मेनी टाइम्स वी यूज सिंपल सेंटेंसेस टू स्टेट अबाउट एनी पर्सन और आवर सेल्फ दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंसेस कई बार हम अपने या किसी और के बारे में विवरण देते हैं यह विवरणात्मक वाक्य कहलाते हैं टू मेक दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस we need only the helping verb इस तरह के वाक्य बनाने के लिए सिर्फ सहायक क्रिया है की जरूरत होती है look at some examples कुछ उदाहरण देखें my name is anita मेरा नाम अनीता है that is mohan's house वह मोहन का घर है there is a big function in my school मेरे विद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम है माई होम टाउन इज मेरा पितृग्रह इंदौर है माई डॉटर्स फ्रेंड इज वेरी ब्यूटिफुल मेरी बेटी की सहेली बहुत खूबसूरत है योर वर्क इज नाइस आपका काम बहुत अच्छा है ही हैज फोर ब्रदर्स उसके चार भाई हैं आई हैव नो टाइम मेरे पास समय नहीं है वेन वी वॉन्ट टू गिव अ स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर और द पास्ट वी अप्लाई द सेम प्रोसीजर एक्सेप्ट द दोप्रिएट चेंज नीड्स टू बी मेड इन द हेल्पिंग वर्ब्स टू जब हम इन वाक्यों को भूतकाल या भविष्यकाल में प्रयोग करना चाहते हैं तब वाक्य रचना वही रहेगी सिर्फ सहायक क्रिया भूतकाल और भविष्यकाल की होगी भविष्य को सहायक क्रिया होगा या होगी भूतकाल को सहायक क्रिया था या थी लुक एट सम्पल्स कुछ उदाहरण देखें माई जॉब विल बी इन डेली मेरी नौकरी दिल्ली में होगी There was अ beautiful फ्लावर vase इन द गिफ्ट शॉप गिफ्ट शॉप पर एक खूबसूरत फूलदान था योर प्रोग्राम too गुड आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा था अशोक was अ किंग अशोक एक राजा था Sometimes वी नीड टू एक्सप्रेस कंपल्सिव एक्टिविटीज Like, I have to study. You have to attend the meeting. He had to go to Bombay. They will have to play. कई बार हम जरूरी कार्य बताते हैं जैसे इन वाक्यों में हमने प्रयोग किया हिंदी में हम मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया काल के अनुरूप होगी जरा देखें है वर्तमान था भूतकाल होगा भविष्यकाल आइए कुछ उदाहरण बनाएं मुझे पढ़ना है तुम्हें मीटिंग में जाना है उसे मुंबई जाना था उन्हें खेलना होगा न्यू वर्ड्स लिस्ट नवीन शब्द सूची फंक्शन कार्यक्रम vase फूलदान big, बड़ा response, जवाब intelligent, विदेशी महिला के लिए विद्वान पुरुष के लिए dream, सपना hometown, पितृग्रह interview, साक्षात्कार टाइम समय फिनिश समाप्त